ये देखिए दोस्तों, लग रहे हैं किसी तरह भी आपको ये मावे वाले गुलाब जामुनों से कम नहीं लग रहे ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इनको खाने के बाद आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे कि ये मावे के गुलाब जामुन नहीं है। तो ये हमने किसके बनाए, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो इन्हें बनाने के लिए देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल देती हूँ अब मैं 2 चम्मच देसी घी। घी को गर्म होने देते हैं थोड़ा सा, गैस हमने कम ही रखी है, हाई नहीं की है। घी पिघलते के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 2 कप दूध। तो ये दूध ऑलरेडी गर्म किया हुआ था, मीन्स ठंडा हो गया था, तो अब हम इसे बस हल्का सा गुनगुना ही करेंगे। दूध जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें डाल देंगे ये मिल्क पाउडर। ये डेरी वाइटनर है अमूल्या का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, आधा कटोरी मैंने यहाँ पर ये मिल्क पाउडर ले लिया है और अब मैं इसे इस तरह से चला देती हूँ। जैसे जैसे दूध गर्म होगा, ये मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, दूध को गाढ़ापन मिलता है और मावे का टेस्ट भी आता है। तो अब हम इसे गर्म होने देते हैं और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए, गैस को हम कम करके 1 कटोरी हम इसमें सूजी डालेंगे। तो अगर मैं मेज़रमेंट की यहाँ पर बात करूँ तो 2 कप हमने दूध लिया था, 1 कप आप इसमें सूजी डाल दीजिए। थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालिए और कंटिन्यू चलाते रहिए। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये जो सूजी है ये एकदम ठीक हो गई है और बस इस समय पर हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फ्लेम भी लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, ताकि ये जो सूजी है ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कंटिन्यू चला रही हूँ, बस इसी तरह से आपको इसे चलाना है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और उसके बाद भी मैं इसे थोड़ा सा चला रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है तो ये सूजी जल सकती है। दोस्तों, मेरी यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो का कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और जितने भी टिप्स मैंने दिए हैं ना, उन सभी टिप्स को आप फॉलो करके ये गुलाब जामुन बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनते हैं और कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये सूजी के गुलाब जामुन हैं। तो ये देखिए, अब हम इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं गुलाब जामुन के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये 2 कटोरी चीनी ली है और 2 कटोरी ही पानी लिया है। बढ़िया से फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर कुछ केसर के धागे डाल देंगे और 2 इलायची कूट करके डाल देंगे और उसके बाद इस चाशनी को पकने देंगे। हमें गुलाब जामुन के लिए 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए होती है, बस हल्का सा चिकनापन आ जाए, इतनी ही थी कम चाशनी चाहिए। तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे इस चाशनी को बनने में और उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। तो चाशनी बन रही है, तब तक हम सूजी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। पूरी तरह ठंडा नहीं करना है हमें इसे, बस थोड़ा सा ठंडा करना है। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और उसके बाद में हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे तो गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम चलते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी में देखिए कितना अच्छा उबाला आ रहा है, ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा चला देते हैं और उसके बाद में हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, हल्का सा चिपचिपापन आ रहा है, बस चाशनी हमारी तैयार है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे, ढक देते हैं इसे और उसके बाद में ठंडा होने देते हैं। चाशनी तो बन चुकी है, अब हम चलते हैं सूजी की तरफ। तो सूजी हल्की सी गर्म है, बस इसी समय पर हम इसे इस तरह से मस लेंगे। ये देखिए, मसलते हुए हमें इसे अच्छे से चिकना कर लेना है। परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो यही है कि सूजी को आपको मसलते हुए अच्छे से चिकना करना है। थोड़ा सा घी लगा लीजिए हाथों पर और इस तरह से इसे मसलिए करीब 8 से 10 मिनट तक, या फिर जब तक ये अच्छे से चिकनी ना हो जाए। ये देखिए मैं किस तरह से मसल रही हूँ, बस इसी तरह से मसलना है। करीब 8-10 मिनट हो चुके हैं और सूजी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चिकनी हो गई है। बस अब हम इसके बॉल्स तैयार करेंगे, तो छोटे बड़े जैसे आपको गुलाब जामुन बनाने हैं वैसे इसके बॉल्स तैयार कर लीजिए।
और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसमें क्रैक ना रहें। ये देखिए एक भी क्रैक नहीं है। और हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसकी बॉल्स बनानी है, हल्के हाथों से बॉल्स नहीं बनानी है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसकी बॉल्स तैयार करें। तो ये देखिए सभी बॉल्स मैंने बना ली हैं और अब मैंने घी गर्म होने रख दिया है कढ़ाई में। तो गुलाब जामुन तलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म घी नहीं चाहिए होता है, हल्का गर्म घी चाहिए होता है। अगर आप चाहें तो ये गुलाब जामुन तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन मिठाइयों का मज़ा जो देसी घी में आता है वो तेल में नहीं आता। तो ये देखिए सभी बॉल्स मैंने डाल दी हैं। करीब आधा मिनट के लिए हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे और उसके बाद में इस तरह से चम्मच से हम धीरे धीरे इन्हें पलट देंगे और बस इसी तरह से घुमाते हुए हम इन्हें अच्छा गोल्डन कलर आने तक तल लेंगे। ये देखिए फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पर ही रखी है, हाई नहीं की है। अगर आप इन्हें ज़्यादा गर्म घी तेल में तलेंगे ना तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर इसमें पूरी तरह से गुठली बनी रह जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि लो फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू घुमाते हुए आप इन्हें तलें पूरी पेशेंस के साथ में। और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इन पर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी देखिए चाशनी ठंडी हो चुकी थी, हल्की गुनगुनी चाशनी में ही आपको इन गुलाब जामुन को डुबोना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा गर्म चाशनी में आप ये गुलाब जामुन डाल देंगे तो भी गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे, बस हल्की गुनगुनी सी चाशनी रहे तब ये गुलाब जामुन आप इसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद में इसे एक घंटे के लिए रख दीजिएगा। एक से डेढ़ घंटे में ये गुलाब जामुन काफ़ी अच्छे से चाशनी सोख लेंगे। तो चाशनी भी हल्की गुनगुनी रहनी चाहिए और गुलाब जामुन भी हल्के ठंडे हो जाने चाहिए, उसके बाद में ही आप इसे चाशनी में डालिएगा। और डेढ़ घंटा करीब हो चुका है और ये देखिए रिज़ल्ट, आप कितने बढ़िया गुलाब जामुन बने हैं। और खाने में तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने गुलाब जामुन सूजी के बनाए हैं, गारंटी है मेरी। आप ये बना करके और खिला करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप प्लीज़ उन सभी रेसिपीज़ को देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं छोटी छोटी रील्स अपलोड करती रहती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार गुलाब जामुन बनकर के तैयार हुए हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।